हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और धर्म युग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको इन सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का पाप बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए वह अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के बारे में स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सत्यु के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जो ये दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे। संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण से महात्मा भव ने विष्णु यश कल की प्रादुर्भाव विषय थी। अतः संबल ग्राम में विष्णु यश नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सत्यु का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपा। उनके पुत्र होंगे जय विजय। मेघवाल तथा बलाहक पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। अभी तो हम और आप केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कब कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे और हमारा उद्धार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलते हैं ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय।